तो ये है फ्लिपकार्ट स्मार्ट वाई का यूनिवर्सल एक्सटेंशन बोर्ड, जिसको आप फ्लिपकार्ट से 189 में परचेस कर पाएंगे। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड को मेरे तरफ से 5 स्टार की रेटिंग है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, बिल्ड क्वालिटी एंड फंक्शन। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड की एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज 3 यूनिवर्सल सॉकेट विथ 3 पिन, यानी कि इंडिया, चाइना, यूरोपियन कंट्री, किसी भी कंट्री का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इसमें प्लग कर पाएंगे। लेकिन मेन कनेक्टर पिन है जो इंडियन ही है, तो इंडिया में इस एक्सटेंशन बोर्ड को आसानी से यूज कर पाएंगे। लेकिन यही अदर कंट्री है, फिर चाइना है, तो चाइना टू इंडियन सॉकेट का यूज करना पड़ेगा। एंड 3 पिन मीन्स 3 होल वाला सॉकेट, ना कि 2 होल्स वाला। 2 पिन सॉकेट में आपको जनरली हॉट एंड न्यूट्रल वायर देखने को मिलता है, 3 पिन में एक एक्स्ट्रा अर्थिंग वायर भी देखने को मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज 3 इंडिविजुअल स्विचेस, तो 3 सॉकेट वाला एक्सटेंशन बोर्ड है, तो तीनों सॉकेट को करंट को ऑन ऑफ करने के लिए अलग अलग 3 स्विच है। थर्ड एडवांटेज 3 इंडिविजुअल LED इंडिकेटर, तो जिस सॉकेट में करंट आ रहा है सिर्फ उसी में LED लाइट ग्लो कर रहा होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अभी सॉकेट ऑन है, करंट पास हो रहा है। फोर्थ एडवांटेज इनबिल्ट प्रोटेक्शन फ्यूज, तो यह एक्सटेंशन बोर्ड इनबिल्ट प्रोटेक्शन फ्यूज के साथ आता है, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडेड करंट एक्सटेंशन बोर्ड के यूनिवर्सल सॉकेट में आने के पहले ही फ्यूज द्वारा ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से सॉकेट में लगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चार्जर, ये सब खराब नहीं होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडेड करेंट से तो ये एक बार बचा लेगा, लेकिन इसके बाद इसका फ्यूज है जो जल जाएगा। तो इसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा फ्यूज नहीं मिलता है, इसके लिए लोकल मार्केट में पता करना पड़ सकता है या फिर ऑनलाइन, लेकिन फ्यूज को चेंज करना काफी आसान है, उसके लिए फ्यूज होल्डर है। एंड इस एडवांटेज की बात करें तो इसमें हाई वाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करने के लिए मना किया गया है, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, कूलर, AC, इंडक्शन, ये सब। इट्स मीन ये एक्सटेंशन बोर्ड 700 से 800 वाट तक आसानी से लोड कर सकता है।